छोटी छोटी ट्राई कर रहा है, अलग रहा अभी से ये पसंद आ जाए। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। जी साहब, डाइनर का शौक पूरा हो गया। यस। अब आप क्या चाहते हैं, कहीं और चलना है? इंशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, हम कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं, किसी भी इंजन के ब्रांड से? लाइक वेर एवर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा जी, तो ये आज जवेद भाई खड़े हैं, बड़े मासूम शक्ल के। ये भाई मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि अली भाई साथ चलते हैं शॉपिंग करने। मैं बस थोड़ा अपनी रूटीन में बिजी था, लेकिन भाई आज खुश हो गया है, लेकिन चेहरा की उदास किया गया हुआ यार। हाँ, तो आज हम जा रहे हैं भाई की शॉपिंग करने। भाई ये बताओ कि शॉपिंग करनी क्यों है, लाइक क्या सर्दियों की वजह से कर रहे हो या वैसे ही रूटीन में? इसलिए मौसम भी चेंज हो रहा है और सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इस लिहाज से शॉपिंग रूटीन थी। मैंने कहा चले आज इंजॉय करते हैं। तो आज फिर हमें मौका मिला, चलो आज गपशप भी करते हैं और शॉपिंग भी मारने वाले। अच्छा, चलो यार, शॉपिंग तो कर रहे हैं हम, ये तो ठीक हो गया, तो इन रिवार्ड हम खाएंगे क्या यार, ये तो बताओ हमें। कि मतलब बंदे को भूख लग जाती है यार, चल रहा होता है, शॉपिंग कर रहा होता है, कोई भी डिफरेंट दुकान पे जाना पड़ता। हाँ बताओ, कोई बताओ। अच्छा पॉइंट देख लेते हैं। वैसे भूख मुझे भी लग गई है, हम आपकी बात कर रहे हो, ऐसी भी बात है। सही है, सही है। जो भी अच्छा होगा इंशाल्लाह देख लेते हैं। वो देखिए आप, एक रेड शर्ट में हमारे वो पीछे बंदा खड़ा है, वो आज कह रहा है कि अभी मैं थोड़ा मायूस खड़ा हूँ, मैं अभी वीलॉग में नहीं आना चाह रहा, वो भी आएगा आगे में। चले अब हम चलते हैं, पहले हम अपनी शॉपिंग, जो ब्रांड रोड है मुल्तान का, फिलहाल हम खड़े हैं गोलबाग और ब्रांड रोड की तरफ हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी बाकी वीडियो बनेगी। मेरी जान, कहाँ किस ब्रांड की लेनी है आपने बताया? यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स हैं। डाइनर का इरादा है? डाइनर का इरादा यार, और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ डाइनर आप लोग सिर्फ डाइनर पे ही खुल गए हो यार। चले और देख लेते हैं, और भी देख लेंगे। चले फिलहाल हम यहाँ पे अपनी पार्किंग करते हैं बाइक, ठीक है, और आगे हम चलते हैं, पैदल मार्च करते हैं ब्रांड रोड का। ये हम खड़े हैं इंजन के सामने, लेकिन अभी क्योंकि लाइट्स की वजह से नजर नहीं आ रहा। हाँ जी भाई, पहले इंजन चलना है या फिर डाइनर का? पहले चेक करते हैं, डाइनर का शौक पूरा करना है। चले भाई पहले इसका शौक पूरा कर देते हैं। डाइनर बहुत कर रही है। द नेम ऑफ ब्रांड द बीइंग लाइक बाय जवेद साहब। हम अब जा रहे हैं डाइनर फॉर शॉपिंग। ये आतिफ की टमाटरी, या वी आर गोइंग इन साइट। जवेद साहब कहते हैं कि इनको शर्ट्स पसंद है। क्या कह रहे हो आप जवेद साहब, शर्ट्स लेनी है आपने? जी ठीक है। जवेद साहब, डाइनर का शौक पूरा हो गया। यस। अब आप क्या चाहते हैं, कहीं और चलना है? अब मेरी मर्जी का चूज करेंगे? यस। ओके। हाँ जी, जवेद साहब का शौक पूरा हो चुका है, ये अब डाइनर से बाहर निकल चुके हैं। अब मैं इन्हें बताऊंगा कि शॉपिंग कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। एक्चुअली वहाँ के हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं है जहाँ डाइनर जाए। ठीक है, तो अब मेरी माने मेरी जान, अब पहले हम इंजन देखते हैं। एक्चुअली डाइनर में लास्ट कुछ डेज पहले ऑफ चल रहा था 50%, तो अब वो खत्म हो चुका है। ये ब्लैक फ्राइडे का 30% ऑफ है, या ऑन ऑल फॉल विंटर स्टॉक। क्यों, आप आओ तो सही यार, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जवेद साहब, आप नखरे कर रहे हैं इंजन में जाते हुए। जवेद साहब, आप कभी पहले इंजन गए हैं यहाँ पे? आप बताएं, आप पहले किस डाइनर आपने किया हुआ था? आप मेरी मान लिया इंजन चले। ये हमारे प्यारे भाई, आपके कुछ नाम अहमद, अहमद भाई, ओके, ही विल गाइड अस इंजन का, क्योंकि मैंने बहुत नाम सुना है मुल्तान में, दी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड। तो ये जवेद भाई, आप ये देखें 50% ऑफ ये कर रहे हैं, लेकिन डाइनर्स ने बंद कर दिया यार, क्यों किया बंद? तो इंजन इज द बेस्ट। हाँ जवेद भाई, मानते हैं इंजन को बेस्ट? या आप चूज भी करें कोई? ओके। जवेद भाई उठा लो यार, ये कलर उठा लो। जवेद भाई प्लीज़ फॉर गॉड सेक। जवेद भाई, ये मैं कहता हूँ 100% कन्फर्म है, ये मेरे जो नाज़रीन है वो भी यही कहेंगे। जवेद भाई, अब आपने इसे चेक करना है,
और अपने टायर रूम में से जाके पहने और हमें दिखाएं, अपने नाज़रीन को दिखाएं कि आपको ये कैसी लग रही है, क्या इसमें आपको क्या लग रहा है। देखें ये आपकी डुअल सीज़न के लिए काम आ जाएगी, गर्मियों में भी आप इसे पहन सकते हैं। मैं आज यहाँ पे सॉरी सेलर बना हुआ हूँ, नहीं नहीं व्लॉगर जी। एक मेरी जान ये अच्छी है जी साहब, ये आखिरकार इन्होंने ये सिलेक्ट की है, लेकिन अभी ये पहले ट्राई करेंगे अगर इनको अच्छी। अच्छा इनके साइज़ की देख लें अमर भाई, या अमर भाई हमें बहुत ज़्यादा असिस्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, ये हमारे बहुत प्यारे भाई हैं। आपने जब भी आना है अमर भाई को यहाँ पे इंजन में याद करना है, ठीक है जो साहब? ओके ग्रेट, माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टाफ है यार, हमेशा मानता अपनी है जवेद। जवेद साहब ये नहीं है फिटा पिटा आप जो कह रहे हो वो नहीं है, आप इसे पहन के देखो अच्छी लगेगी तो फिर हम इसे ही सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज वी हैव मल्टीपल चॉइसेस। ओके ब्रो यू कैन गो। जवेद भाई गए हुए ट्राई रूम में एंड मैं और आतिफ यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी कुछ लेना नहीं है। आतिफ अभी रेट डिसाइड कर रहे हैं कि लेना क्या चाहिए। आतिफ साहब आपका प्लान है फ्यूचर में? बिल्कुल। तो कितने सालों बाद? 5 साल बाद। ठीक, 5 साल बाद आतिफ साहब यहाँ आएंगे शॉपिंग करने। भाई जान गए हुए ट्रायल रूम में और अब हम सोफे का मज़ा ले रहे हैं, स्कूल से बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, चला चला के भाई ने थका दिया है, छोटी छोटी ये ट्राई कर रहा है, लग रहा है अभी से ये पसंद आ जाए। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। अब ये मेरा भाई कैसा लग रहा है ये आप सबने बताना है, ठीक है भाई? आपको ये पसंद है? Yes. आप ये 8वीं शर्ट चूज़ कर रहे हैं, लेट्स सी ये अब आपको कैसी लगती है। अमर भाई आप क्या कहते हैं? आप तो वैसे कहेंगे यार सेल लो करेंगे। नहीं नहीं न्यूट्रल न्यूट्रल होके बताए। वाओ एवरीवन इज द लवर ऑफ इमरान खान। वाओ मेरे शहजादे भाई को माशाल्लाह शर्ट पसंद आ चुकी है। ये शहजादा जी साहब मेरी जान हम ये कलर बहुत प्यारा है, ये सिर्फ इसके साथ भी नहीं बहुत सारी शर्ट्स के साथ ये कलर अच्छा लगता है, ये भी और ये लाइट वाला भी। जब ये आतिफ साहब के जो चॉइस है ना मैं इसे पसंद करता हूँ। बस अब आतिफ साहब की शादी आ जाएगी ना तो तब हमने लेनी है शॉपिंग करनी है 5 साल बाद। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आप क्या कह रहे हैं हम कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं, किसी भी इंजन के ब्रांड से? लाइक वेर एवर एक तो अच्छा आला यार, ये भाई ने पसंद की है पैंट और इसने कहा कि मैंने ट्राई भी नहीं करनी मुझे ऐसे ही पसंद है। वाह माशाल्लाह ये अमर भाई की मेहरबानी, इन्होंने हमें बहुत असिस्ट किया है। खैर डाइनर बहुत कर रहा था, आज इसे पता चल गया कि डाइनर नहीं होता इंजन होता है। इज इट इंजन से ही चलती है गाड़ी, इंजन ना हो तो फिर सब कुछ है बेकार ही। अब भाई की जेब खाली हो रही है। जवेद साहब का दिल हिल गया होगा। जवेद साहब कोई परेशानी? नो कोई टेंशन, आई एम इजी। ओके भाई थोड़ा सराइकी में कहते हैं होलात रखना है, ठीक है? ये भाई बहुत प्यारे हैं, ये असिस्ट कर रहे हैं जवेद भाई को, एक में 50% ऑफ दे रहे हैं, एक में 30% ऑफ दे रहे हैं, ऐसे है भाई? जी सर। थैंक यू यार। सॉरी मैं पहले सलाम कर चुका हूँ ना वीडियो के लिए। अच्छा तो जवेद साहब आप राजी हैं ये देख के इंजन से लेके भैया उल्टा दिखा रहे हो लोगों को, पढ़ने में तंगी ना हो? खैर पढ़ लेंगे जी। जवेद साहब आप बताएं। हाँ मैंने आज शॉपिंग की इंजन ब्रांड से तो काफ़ी अच्छा लगा यार, काफ़ी वैरायटी अच्छी है। ओके तो आई एम सेटिस्फाइड। यू आर सेटिस्फाइड? अब कहीं और से लेना है हमने कुछ? कुछ और लेना है? यस। चलो आपको मैं एक और ब्रांड पे लेके जाता हूँ जो मैं भी पसंद करता हूँ। अभी हमारा प्लान पोस्टपोन हो गया है दूसरे ब्रांड पे जाने का क्योंकि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब हमने बहुत ज़्यादा भूख लगी, अब हम कहीं खाने जाते हैं तो जवेद भाई हमने बहुत अच्छा खाना है, आपके पैसों से खाना है हमने चले और अच्छा खाना है। जवेद साहब बड़े सोचो विचार में हैं, खाना क्या चाहिए क्योंकि पैसे लगने हैं जवेद साहब के। और जवेद आज हमें पराठा खिला रहे हैं। व्हाट अ पराठा दिल से जवेद साहब। फाइनली वी हैव डिसाइडेड और अब ये कैश निकालने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कैश स्वाइप कार्ड स्वाइप करने की ऑप्शन नहीं है, इन्होंने कैश ही देना
आपने जो है ना यार, ये साथ बैंक इस्लामी होगा राइट, ये देखो जा रहे हैं पैसे निकलवाने। अब मेरे भाई लोग चले गए हैं पैसे निकलवाने, मैं उनको वेट कर रहा हूँ, साथ ही पराठे को वेट कर रहा हूँ। अगर पराठे पहले आ गए तो मैं तीनों खा जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, ये लोग खाते रहते हैं, मैं भी खा लेता हूँ। आतिफ साहब, आप लोगों ने 15 मिनट लगा दिए हैं, ये 15 मिनट में आप बैंक से कैश निकालने गए थे या बैंक को लूटने गए थे? ये सामने 6,000 जगह पहले 1,000 रुपए निकाल लिया। जी साहब, आपने आपके साथ प्रैंक हो गया आज। क्या प्रैंक हुआ जी साहब आपके साथ? बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया यार। आपको पता था कि वन टाइम आप निकाल सकते हैं, टाइम निकाला वो आपके साथ डबल टैक्स पड़ गया आप पे। पचास रुपए मैं समझा आप ये बैंक से मतलब एटीएम से कैश निकालने नहीं गए थे, एटीएम लूटने गए थे। 15 मिनट लगाते हैं यार, आपने 5 मिनट 2 मिनट का सफर था ट्रैफिक यार। आप कौन सा 10 किलोमीटर का सफर करके गए यार? 10 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में 10 किलोमीटर। ओह माय गॉड, देखिए आतिफ साहब बिल्कुल, क्या ये ज्यादती हो गया जो है साहब के साथ? अब इसका अजाला कैसे होगा? आज भाई ने मुझे लगता है भाई का एटीएम भी खत्म। वाह माशाल्लाह यार, आपका गुड नेम? अहमद नवाज। मैं बना सकता हूँ आपकी वीडियो मेरी जान? ओके, देखिए मेरी जान, ये हमें प्यार से मोहब्बत से दे रहे हैं अलॉन्ग विथ कोल्ड ड्रिंक फॉर फ्री, ऐसे ही है भाई दे रहे हैं हमें। चलो मेरी जान, अब मुझे लगता है कि हमें खाना शुरू करना चाहिए। वाओ, बस इनके मुंह में पानी देखे आप। ओह माय गॉड, तीनों पे ये तुला हुआ है खाने के लिए, लेकिन मिलके खाना है बिल्कुल भाई, चाह रहा है मिलके खाना है। आतिफ आज सेक्रीफाइस करेगा, व्रत रखा हुआ इसने, नहीं खाएगा आतिफ? नहीं क्यों नहीं, सारे मैं खाऊंगा। ओह माय गॉड, ठीक है जावेद साहब, ये अब खा के बैठे हैं और देखें हशाश बशाश लग रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी भी नजर आ रही है कि भाई ने पैसे खर्च कर दिए। जावेद साहब को मैंने फुल फेस जूम किया है, आप देख सकते हैं ये खुश लग रहे हैं या उदास लग रहे हैं। जी जावेद साहब कैसा लगा है? अब ये बताए व्हाट अ पराठा है, लेवल है। अब हम आ रहे हैं अपने द मेन पर्सन, द जो जिसको फूड की वाकई ज्यादा सेंस है, हम अब उसके पास आ रहे हैं। ओ माय गॉड, आते साहब बिल्कुल, कैसा लगे आप? बहुत अच्छा लगे बिल्कुल, टेस्टी। अब आप पहले कह रहे थे कि हमने यहाँ नहीं खाना, आप बर्गर बर्गर किए जा रहे थे, अब आप बर्गर को प्रेफर करेंगे कि वटा पराठा को प्रेफर करेंगे? जी आप क्या प्रेफर करेंगे जो है साहब? मुझे दोबारा आना पड़ेगा। ओह माय गॉड, अलोंग विद समवन? अलोंग विद समवन, ओके ओके, चलो जल्दी शादी कर लो, तुम्हारी भाभी के साथ आना, ठीक है? आप भी बिल्कुल। वैसे हम अब सारे कलीग्स मिलके आते हैं सारे, है ना? ठीक है इंशाल्लाह, वी आर प्लानिंग इंशाल्लाह। हाँ जी, तो अब हम खा चुके हैं और अब हमारे कुछ का प्लान हो चुका है। देखिए बंदा अपना हेलमेट भी उठा चुका है। जावेद साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वटा पराठे थे पराठा खिलाए, लेकिन आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए यार, हम आपके साथ पैदल चले बिल्कुल। जावेद साहब आप ग्रेविटी कर रहे हैं यार, अब चुप करके खड़े हैं यार, आपका भी शुक्रिया, ठीक है यार, बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन अ गुड डे फॉर अस, हम अपने इन दिनों को हमेशा याद रखेंगे। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह विल सी यू इन अनदर व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।